नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्किनर महोदय को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? स्किनर महोदय को। तो देखिए, जो स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत है, आज हम उसको पढ़ेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किनर का पूरा नाम क्या है। तो स्किनर का पूरा नाम है ड्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। क्या नाम है? ड्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, इसका पूरा नाम है। और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1938 के अंदर किया गया था। प्रतिपादन कब किया गया था? 1938 के अंदर किया गया था। और देखिए, हम बात करें क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत की कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, अन्य नामों में पहला नाम आता है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या आता है? साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत आता है। फिर हम इसको बोल सकते हैं आरएस थ्योरी। क्या बोल सकते हैं इसको? आरएस थ्योरी भी बोल सकते हैं। फिर देखिए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हमें बोल सकते हैं। फिर देखिए, हम बात करते हैं प्रयोगों की। तो स्किनर महोदय ने जो पहला प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। और चूहे के लिए इन्होंने क्या बनाया था? प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स बनाया था। क्या बनाया था? प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स, जिसमें चूहे की जो गतिविधियां हैं वो देख सके। ठीक है, और चूहा है वो हमें पता है कि जब भी प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स में रखेंगे तो वो उछल कूद निश्चित तौर पर करता है। ठीक है, तो चूहा है वो क्या कर रहा था? उछल कूद कर रहा था। और उसके अंदर एक लीवर लगा होता है। क्या लगा होता है? उसके अंदर एक लीवर लगा होता है। और लीवर पर अचानक ही उसका क्या रखा जाता है? पैर रखा जाता है। और वो लीवर है वो दब जाता है। वो उसे क्या सुनाई देती है? बेल सुनाई देती है, यानी घंटी की आवाज सुनाई देती है। और उसे क्या प्राप्त हो जाता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। एक बार दोबारा से देखिए, चूहे को किसके अंदर रखा गया? प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स के अंदर रखा गया। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑपरेटर के अंदर जो चूहा है वो क्या कर रहा था? उछल कूद कर रहा था। और अचानक उसका पैर है वो लीवर के ऊपर रखा गया। लीवर पर पैर रखने के कारण उसे एक घंटी सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? उसे एक घंटी सुनाई देती है। और उसे क्या प्राप्त हो जाता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और फिर चूहा है वो क्या करने लग जाता है? वो सीधा आकर लीवर दबाता है और भोजन है वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर देखिए हम अगर हम बात करें अभिक्रमित अनुदेशन 1954 की, किसकी बात करें? अभिक्रमित अनुदेशन 1954 की अगर हम बात करें तो ये क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत पर ही आधारित है। और अभिक्रमित अनुदेशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन 1954 है वो क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। फिर देखिए, हम बात करते हैं प्रयोग दूसरे की। ठीक है, और प्रयोग दूसरे में उन्होंने किसको काम में लिया था? कबूतर को काम में लिया था। ठीक है, और कबूतर के लिए उन्होंने क्या बनाया था? एक पिजन बॉक्स बनाया था। क्या बनाया? अभी पिजन बॉक्स बनाया। उसमें भी क्या लगा होता है? एक लीवर लगा होता है। और जैसे ही कबूतर है वो चोंच मारता है लीवर पर, उसे क्या प्राप्त होता है? दाना प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? उसे दाना प्राप्त होता है। अब देखिए, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन है वो क्या करता है कि किस प्रकार उसको डिफाइन किया जा सकता है? पुनर्बलन द्वारा किसी भी क्रिया को दोहराया जाता है। पुनर्बलन के द्वारा किसी भी क्रिया को दोहराया जाता है तो वो क्या होती है? क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन होता है। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं स्किनर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्किनर। तो स्किनर है वो पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। क्या है?
पुनर्मिलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। और अगर हम बात करें किसी की पुनर्मिलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो पुनर्मिलन का जो सिद्धांत है वो हल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। अब देखिए पुनर्मिलन है और पुनर्मिलन को भी डिफाइन किया गया है कि पुनर्मिलन है वो कितने प्रकार का होता है। तो पुनर्मिलन है वो चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होता है? तो देखिए पुनर्मिलन है वो चार प्रकार के होते हैं। सतत पुनर्मिलन जो लगातार पुनर्मिलन में दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? सतत पुनर्मिलन और आंशिक पुनर्मिलन कौन से होते हैं? जो कभी कभार दिए जाते हैं बच्चे को। और अनुपात पुनर्मिलन कौन से होते हैं? जो एक निश्चित सीमा के अंदर दिए जाते हैं, कभी कभार दिए जाते हैं। और अंतराल पुनर्मिलन जो एक निश्चित अंतराल के बाद दिया जाता है वो पुनर्मिलन कौन सा होता है? अंतराल पुनर्मिलन होता है। फिर देखिए पुनर्मिलन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक है, और उसका जो शैक्षिक उपयोग है वो कहाँ कहाँ काम में आता है? स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत और स्किनर ने जो प्रयोग है वो किन किन पर किए थे? पहला प्रयोग चूहे पर किया था और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया था। कबूतर के लिए उन्होंने पिजन बॉक्स बनाया था और चूहे के लिए उन्होंने क्या बनाया था? प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स बनाया था, ठीक है। हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं शैक्षिक उपयोग की। किसकी बात करते हैं? कि शिक्षा के क्षेत्र में जो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है उसका क्या क्या प्रयोग है उसको हम देखते हैं। तो देखिए वांछित व्यवहार विकसित करना, जब भी छोटा बालक है वो उससे हम अपना मनचाहा व्यवहार प्रदर्शित करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? जो हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। शिक्षण मशीन का विकास, शिक्षण मशीन का विकास करने में भी हमें इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार शुद्धिकरण, जब भी छोटा बालक है उसका व्यवहार है वो सही परिमार्जित नहीं है और उसके शुद्धिकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तत्काल पुनर्मिलन पर बल देता है, क्या करता है कि ये तत्काल पुनर्मिलन पर बल देता है, यानी कि जब भी बालक है वो कोई अच्छा कार्य करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उससे हमें पुनर्मिलन देने की आवश्यकता होती है, इस पर बल देता है। अभिप्रेरणा का महत्व और आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि जो छोटे बालक होते हैं या जितने भी बालक होते हैं जो सीखने का प्रयास करते हैं, जिन्हें अधिगम की आवश्यकता होती है, उन सभी को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है, यह सिद्धांत बताता है और इसकी आवश्यकता भी होती है, यह प्रदर्शित करता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।